लेकिन इस ठंड में ना चाय एंजॉय करने का जो मजा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं जाहिद खान और ये है मेरा चैनल ट्रैवल टेल्स। पाकिस्तान के बलाई के इलाकों में जो है ना स्नोफॉल हो चुकी भी है, तो हमारा भी प्लान था, काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि कब जाएं। अब टाइम मिला है तो, और वीकेंड भी है। आज रवानगी है मरी की तरफ और इस वक्त हम जा रहे हैं भारकू बाईपास के ऊपर से, तो थोड़ी देर में मरी पहुंच जाएंगे, फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। पहुँचे हैं मरी के हाफ वे और हाफ वे से ही आप देख रहे हैं रोड के साइड्स पे आपको बर्फ़ नजर आना शुरू हो जाएगी, मतलब इतनी बर्फ़ पड़ी है। बहुत मुद्दत बाद, बहुत देर बाद इस सीज़न बर्फ़ पड़ी है, लेकिन अब जब पड़ी है तो बहुत ही अच्छी पड़ी है। मरी तो अभी नहीं पहुँचे भाई, लेकिन ये रास्ते में ही इतनी स्नोफॉल हो रही है और अभी हो भी रही है और हो भी चुकी हुई है। ब्यूटीफुल, पैसे पूरे। बहुत ठंड है भाई, बर्फ तो है लेकिन एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। स्नोफॉल शुरू हो गई है, पहले भी बहुत बर्फ पड़ी हुई है और ठंड बहुत ज़्यादा है। शायद को मैंने भेजा समोसे लेने, आई होप नॉर्मल प्राइस में समोसा, वो पता नहीं है इन दिनों 200 रुपये का दे रहे हो भाई। जैसा कि मैंने प्रोटेम में बताया ना कि अपनी चीज़ें पूरी लेकर आए, उस तरह ग्लव्स तक, मास्क वगैरह सब, अपनी कैप्स, जैकेट सब अच्छी लेकर आए, जूते वगैरह वाटरप्रूफ, ताकि आप स्नोफॉल को एंजॉय कर सकें। अदरवाइज़ बहुत ठंड है, गुजारा नहीं चलेगा, कमरे में बैठे रहेंगे या गाड़ी में बैठे रहेंगे। स्नोफॉल इंजॉय करनी है तो अपना इक्विपमेंट पूरा लेकर आएँ। मलक साहब से मंगवाए थे समोसे, शायद समोसे लाए। कितने का? 500 का एक मिला है। 50 का एक है। 50 का एक, नहीं यार फिर इसका मतलब रेट ठीक है। दो पकौड़े फ्री दिए उसने। अच्छा वाह, चलें भाई आ जाएं, बर्फबारी एंजॉय करने, पकौड़े फ्री हैं। स्नोफॉल के साथ समोसे, वो भी स्पॉन्सर्ड मलक साहब की तरफ से। पूरी वादी मरी की जो है ना स्नो से ढकी हुई है और अभी भी हल्की हल्की स्नो शुरू हो चुकी हुई है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट यार, बहुत ही खूबसूरत। अभी हैं हम लोअर टोपा के पास जहाँ मैकडॉनल्ड है, तो रास्ते भी ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक जैम वगैरह कुछ भी नहीं है। फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और जो इंतज़ामिया वो काम भी कर रही है, जो स्नो पड़ रही है उसको हटा रहे हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड रश वगैरह हो जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल यू कैन ट्रैवल राइट नाउ, इट्स अ गुड टाइम।
ये जी है वो झीगा गली वाला बोर्ड, जहाँ से आप अगर उस तरफ जाएं तो मरी की तरफ और इस तरफ जाएं तो नथिया गली की तरफ, कोई ट्रैफिक नहीं है। देखो सब रवा दवा है अलहमदिल्ला। मतलब इफ़ यू वांट टू कम ना, तो ये चीज़ अपने जहन से निकालें कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। बिल्कुल क्लियर है और फ्रेश स्नो भी पड़ रही है। अब झीका गली के बाद हम चल पड़े हैं मरी की तरफ। ट्रैफिक कोई इतना ज़्यादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उस तरह क्राउडेड नहीं है, बड़ा इंजॉयबल वेदर भी है और माहौल भी। उसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है ना, वो बड़े अच्छे से मैनेज भी कर रही है और पूरी मशीनरी वगैरह खड़ी है ताकि सिस्टम को ना मैनेज किया जा सके। तो रोड्स बिल्कुल क्लियर की नहीं है, बग़ैर चेन की भी गाड़ी आराम से ट्रैवल कर रही है। अभी उस तरह स्नो अगर पड़ी भी थी ना तो इन्होंने मशीनरी के जरिए हटा दी। रश ज़्यादा था तो वहाँ पे हमने यू टर्न लेके उसकी तरफ आ गए नथिया गली वाली साइड पे, बिकॉज कुलडन्ना से लेकर आगे जो है ना, यहाँ से भी व्यूज़ स्नोफॉल के बहुत अच्छे थे। और देखें ओए होए, कुलडन्ना के पास रुके थे थोड़ी देर। यार क्या व्यू है कुलडन्ना के पास। वैसे स्नो का मज़ा ना झीका गली का जो वो चौक है ना उसके बाद ही आता है। तो अब हम चल पड़े आगे नथिया गली की तरफ। नथिया गली तो नहीं जाना, बट ये है कि जहाँ तक आज जा सके जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक में फंसना भी नहीं है और अभी लाइव स्नोफॉल भी हो रही है। तो फिर क्या नाम है, कोशिश करेंगे कि टाइम के साथ वापसी भी हो जाए, लेकिन जहाँ तक एंजॉय कर सकेंगे भाई, जहाँ तक व्यूज़ मिलते रहेंगे एंजॉय करते जाएंगे। लेट्स सी। भी आए हैं संदियाल के पास आके रुके हैं, एक छोटी सी प्लेस है और दिस इज द व्यू। व्हाट अ व्यू, लुक एट दिस।
ठंड है, ऑब्वियसली स्नो में ठंड होगी, बट जो एंजॉय करने का मज़ा है वो सारे पैसे पूरे कर रहा है। कहीं भी रुक जाएं रास्ते में और एंजॉय करें स्नोफॉल को। सच अ लवली व्यू। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चाय चाहिए। कितनी चाय? यार दो चाय बना। चाय ब्रेक। इतनी बर्फ में चाय ना पिए फायदा नहीं है भाई। चाय की बहुत तलब हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। होनी भी चाहिए यार, बर्फ में ठंड नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन इस ठंड में ना चाय एंजॉय करने का जो मज़ा है वो वैसे नहीं है। और बहुत इंजॉयबल प्लेस है यार। मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि पब्लिक बहुत कम है, बहुत कम टूरिस्ट हैं। मतलब दिस इज़ वेरी अनलाइकली इस वेदर में। मतलब इतने अरसे बाद यहाँ स्नो हुई है और पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था, और जब हुई है और इतनी अच्छी हुई है, जबकि रोड्स भी क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है, तो मरी नथिया गली में मैंने बिल्कुल पब्लिक देखी नहीं। बहुत कम है यार, ना होने के बराबर। मतलब इससे ज़्यादा तो वैसे ही समर्स में लोग आए होते हैं। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। जी दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो अबाउट स्नोफॉल इन मरी एंड नथिया गली। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में अच्छी जगह मुलाकात करेंगे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।